नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बिन आईएएस के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जामिनेशन में कहीं भी किसी भी टाइम पर क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं। शुरू करते हैं। मॉन्टेनिग्रो एक कंट्री है जो यूरोपियन पेनिनसुला में पड़ता है, जैसा कि आपको मैप में पढ़ रहा है। यहाँ पर मॉन्टेनिग्रो पहला ऐसा यूरोपियन कंट्री है जिसने अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर लिया और यहां पर टूरिस्ट को आने के लिए एंट्री अलाउ कर दी है। इसके बारे में इतना ही। इसके अलावा इसकी कैपिटल प्लेस होती है पॉडगोरिका, जो इसकी कैपिटल प्लेस है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। स्पेस एक्स एक सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके फाउंडर एलन मस्क काफी फेमस पर्सनालिटी है, जो आपको कहीं भी किसी भी टाइम पर इंस्पायर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। स्पेसएक्स ने अपना अभी एक स्टारशिप प्रोटोटाइप SN4 बनाया और इसको टेक्सास के बोका चिका में 29 मई 2020 को एक परीक्षण फायरिंग उन्होंने आयोजित किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ये SN4 ब्लास्ट हो गया, या फिर एक कह सकते हैं कि इस तरह से फट गया। लेकिन एलन मस्क ऐसे व्यक्ति हैं जो फिर से इसके लिए प्रयास में जुट जाएंगे। एलन मस्क एक निजी रॉकेट कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स के संस्थापक हैं। उनका एक टारगेट है कि 2030 के बाद मंगल ग्रह पर शहरों की स्थापना की जाए। एलन मस्क बहुत ही ज्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट और फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एंटरप्रेन्योर है। इनकी जीवनी हम सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। 31 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम हैं, 31 मई को हमेशा वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। ये आपको यहाँ पर सिर्फ डेट याद रखना है। इस बार की जो वर्ल्ड नो टोबैको डे था, उसका जो थीम था वो मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बताता हूँ। युवाओं को तंबाकू आधारित उद्योगों की नकली वस्तुओं से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना। यहाँ पर इनका सिर्फ एक और एक ही उद्देश्य है कि युवाओं को किस तरह से तंबाकू के सेवन से बचाया जाए। तंबाकू और निकोटीन नाम का जो ये पर्टिकुलर केमिकल होता है, इसके साइड इफेक्ट से उनको बचाया जा सके। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स पर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जिसके मिनिस्टर आपको यहां पर फोटो में दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, इन्होंने अभी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि फ्यूचर का साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला इन्वेंशन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पर्टिकुलर पोर्टल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को चलाने के लिए सहयोग कर रहे नासकॉम, नेसकॉम भी एक पर्टिकुलर संस्था है जो आईटी उद्योग निकाय, आईटी उद्योग के जितने भी यहां पर ट्रेडिंग्स और नेगोशिएशंस होते हैं, उनका एक व्यापारिक संगठन है नेसकॉम। नेसकॉम का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नेसकॉम, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। 1988 में इस पर्टिकुलर नेसकॉम की स्थापना हुई थी और ये लाभ निरपेक्ष यानी कि नॉन प्रॉफिट एक संस्था है जो आईटी इंडस्ट्रीज के जितने भी आपके इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए काम करती है। इसके अलावा चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से मैं लेकर के जाता हूं, जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इंडिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान, खेल सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभी हाल फिलहाल में इसकी घोषणा नहीं हुई है कि इस 2020 का पुरस्कार किसको मिलेगा, लेकिन यहां पर अलग अलग फेडरेशंस ने अपने अपने खिलाड़ियों के नाम प्रस्तावित किए हैं, इसलिए ये खबर में था और इसलिए हम यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो एसोसिएटेड है इससे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिसके मिनिस्टर आपको यहाँ पर राइट साइड पे दिखाई दे रहे हैं, श्री किरेन रिजेजू।
इसके अलावा आप लोग ये ध्यान रखिए कि अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी आपको खेल से संबंधित पुरस्कार होते हैं। अमित पंघाल और विकास कृष्णा, इन दो खिलाड़ियों का नाम भी याद रखिएगा जो आपके पर्टिकुलरली बॉक्सिंग से रिलेटेड प्लेयर्स हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 31 मई 2020 को जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के प्रति मन की बात कही थी, उस समय में उन्होंने एक पर्टिकुलर संबोधन में मेरा जीवन मेरा योग करके एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया है। ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन या प्रतियोगिता है जिसके अंतर्गत आपके योगा और मेडिटेशन से रिलेटेड जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके 3 मिनट के वीडियोस उन्होंने मंगवाए हैं और उन वीडियोस में से जो टॉप मोस्ट वीडियो होगा उनको 1,00,000 रुपए की इनाम भी दिया जाएगा। सो अगर आप लोग योगा और मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हैं, सो आप लोग पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पर विजिट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन के बारे में जानने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यहाँ पर जानना ये जरूरी है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, आयुष का फुल फॉर्म आप हमेशा याद रखिए। कभी भी कहीं पूछा जा सकता है कि आयुष में यू क्या होता है, एस क्या होता है, एच क्या होता है। सो सी, ए मीन्स यहाँ पर होता है आपका आयुर्वेदा, वाई से यहाँ पर होगा योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से आपका सिद्धा और एच से आपका होगा होम्योपैथी। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आप ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए। इसका कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, लेकिन इसका इंडिपेंडेंट जो मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, जिनका नाम है श्रीपद नाइक, इन्होंने अभी इसकी पूरी कमान संभाल रखी है। इस पर्टिकुलर प्रतियोगिता जो आपका प्रतियोगिता का नाम है मेरा जीवन मेरा योग, इस प्रतियोगिता को करने का उद्देश्य यह है कि 21 जून 2020, ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका हर वर्ष 21 जून को, और इस बार जो योगा डे मनाया जाएगा वो 6th एडिशन होगा, 6वां संस्करण। मतलब कि हम लोग 5 वर्ष से मना चुके हैं और 6ठी बार इस पर्टिकुलर डे को मनाया जाएगा, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। योगा और मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में एक और खास बात मैं आपको बता दूं, 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर दिन को यहाँ पर वर्ल्ड योगा डे या इंटरनेशनल योगा डे के लिए चूज किया गया था। चलते हैं, बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कोविड-19 के कारण जो वंदे भारत मिशन के तहत लोगों को हम लोगों ने वापस फॉरेन से इंडिया में बुलाया था, उनको अब रजिस्टर करने के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम यहां पर चलाई गई है जिसका नाम है स्वदेश। इस स्वदेश का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिए, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। यहां पर आपको ध्यान रखना है स्वदेश का फुल फॉर्म, यहां पर कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होता है वो ध्यान रखिए। भारत में जो भी बाहर से लोग आए, स्किल्ड वर्कर आए, उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा जिससे कि अगर वो यहाँ पर काम करना चाहें तो उनके लिए या इंडियन गवर्नमेंट के लिए सुविधा हो जाएगी कि किस किस पर्टिकुलर व्यक्ति को किन किन पर्टिकुलर प्लेसेस पे जॉब दिया जाए। इस पर्टिकुलर स्कीम को चलाने के लिए कई सारे मंत्रालय सामने आए, कौशल विकास मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इन सारे मंत्रालय की संयुक्त पहल है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट आपको जानने से पहले आप ये देखिए फोटो में जो यहां पर दिख रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के स्थापना के समय में अध्यक्ष थे या फाउंडिंग मेंबर थे, काफी जाने माने शिक्षक, काफी जाने माने वैज्ञानिक, काफी जाने माने ज्ञानी व्यक्ति के नाम में इनका नाम शामिल होता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अभी इन्हीं के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो पहले था उनका नया नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है। खास बात यहां पर क्या ध्यान रखना है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट आपका हुगली नदी पर स्थापित है और ये बड़ा ही अहम या इम्पोर्टेंट बंदरगाह है इंडिया के समुद्रीय कोस्टल इलाकों को अगर देखा जाए, सो वेरी इंपॉर्टेंट बंदरगाह आपका होता है ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फास्ट। ओके, दुनिया से देखिए एक पर्टिकुलर जो आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप। ये कहाँ का है तो इसको बोलेंगे चाइना ने बनाया है, चाइना में ही इसका ऑपरेशन होता है।
इसमें यहां पर ध्यान रखने की चीज है, आपको फास्ट का फुल फॉर्म याद रखना है, जो ये फास्ट है ना FAST, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेगा, 500 meter अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। अपर्चर मतलब होता है कि उसका डायमेंशन कितना है, वो कितना बड़ा है, उसका डायमीटर कितना है। सो फास्ट इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप का नाम है, इसको आई ऑफ हेवन के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना बड़ा है कि ये हेवन में पूरी तरह से नजर लगा करके रखा है कि कहां पे कब क्या कौन सी गतिविधियां हो रही है, सारी गतिविधियों को ये ऑब्जर्व करता रहता है और डेटा रिकॉर्ड करके चाइना की जो भी इंडस्ट्री है, चाइना की जो भी ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेंटेनेंस ऑफ द फास्ट, उसको वहां पर सप्लाई करता रहता है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी COVID-19 का काफी पैंडेमिक हम लोगों को अभी तक इससे पूरी तरह से निजात नहीं मिला है, और एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज और आ रही है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एक कंट्री है, इस कंट्री के उत्तरी पश्चिमी भाग में 2 वर्ष बाद इबोला प्रकोप की जानकारी मिली है। अभी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन WHO ने इसका कंफर्मेशन दिया है कि 2 लोगों में इबोला वायरस की फिर से एंट्री हुई है। वो सब जो भी इबोला वायरस है उसकी रोकथाम के लिए काफी सारी स्टेप्स ली जाएगी, लेकिन हम लोग को जानने के लिए चीजें कि जो आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये कांगो नदी के किनारे बसा हुआ है, और कांगो नदी जो है नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्चार्ज वॉल्यूम या पानी की कितनी कैपेसिटी अपने साथ लेकर के नदी चलती है, उस पर्टिकुलर पैरामीटर के आधार पर देखा जाएगा। सो कांगो नदी अमेजन नदी के बाद दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी नदी है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। कांगो नदी अमेजन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी नदी है, किस पर्टिकुलर पैरामीटर में, जल की निर्वहन मात्रा के रिस्पेक्ट में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है विश्व पर्यावरण दिवस। जी बिल्कुल, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम थी वो थी बायोडाइवर्सिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया गया, और इसकी जो इस वर्ष की थीम थी उसे कहेंगे जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। COVID-19 के कारण जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसने ऑनलाइन इस सारे पर्यावरण दिवस के समारोह मनाए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर है वो प्रकाश जावड़ेकर जी, आपको यहाँ पर फोटो में दिख ही रहे हैं। लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग देखते हैं अमेरिका। अमेरिका में COVID-19 ने भी करा बहुत कहर बरपाया है। इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम वहां पर चल रही है, वहां की पुलिस ने एक पर्टिकुलर ब्लैक पर्सन को, जॉर्ज क्लॉयड जिसका नाम था, उसको चोक होल्ड करके उसको मौत के घाट उतार दिया। उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ के बाद वहां पर काफी हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसको देखते हुए वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा कर दी कि एंटी फासिस्ट समूह को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जाएगा। ये बड़ी एक लार्जर स्केल पर फॉरेन अमेरिका जैसे देशों में इस तरह की प्रॉब्लम है, जहां पर रंग भेद अभी भी माना जा रहा है। उस पर्टिकुलर रंग भेद नीति के खिलाफ जितने भी संगठन वहां पर, सारे अमेरिका की गवर्नमेंट के खिलाफ या उनकी पुलिस वर्कर्स के खिलाफ काफी सारे आंदोलन कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी इस पर्टिकुलर आंदोलन का अमेरिका में हो रहे नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में भी काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स MPPSC के और भी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए। इस तरह के और भी करंट अफेयर्स के पॉइंट मैं आप तक लाता रहूंगा, आप लोग अब तैयारी में जुट जाइए। अब बिल्कुल भी आपके पास समय आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोरोना पेंडेमिक में, लॉकडाउन के टाइम में आपको काफी अच्छा समय मिला है। अपने आप को एनालाइज करिए, अपने आप की स्किल्स को इंप्रूव करते जाइए, और इन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपको हमेशा रीडिंग करते रहना चाहिए। इस तरह के वीडियोस आप पॉजिटिवली वीडियोस देखा करिए। सारे के सारे जो जनरल अवेयरनेस के पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स को आप टच में रखिए, उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपनी फिंगर टिप्स पे याद करने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले करंट अफेयर पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।